हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने ये वीडियो इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत बहुत पसंद किया है, जो मैंने रिसेंटली पोस्ट किया है, राधा बनाया है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि दी हमको बताओ आपने किस तरीके से ये मेकअप किया। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये पूरा मेकअप किया है। सबसे पहले गाइस, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपकी क्लाइंट की आईब्रोज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं तो आप आराम से उसको थ्रेड कर लीजिए। इससे हमारे आई मेकअप होता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है और फ्लॉलेस आई मेकअप होता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया प्रिपरेशन ऑफ द स्किन से। यहाँ पर मैंने पॉश की क्रीम अप्लाई करी है, मॉइस्चराइज़र क्रीम। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कलर करेक्शन। यहाँ पे मैं कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का शेड ले रही हूँ, जो कि है शेड 02। जितने भी मुझे यहाँ पे हल्का हल्का, जहाँ पे भी, वैसे मेरे जो क्लाइंट है उनके स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा नेचुरल मेकअप रखा है और यहाँ पे मैंने शेड 02 यूज़ किया है। कलर करेक्शन के बाद यूज़ करूँगी चारमेसी का शेड नंबर 01, जो क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है वो काफ़ी फेयर कलर था, तो मैं वही शेड यूज़ कर रही हूँ। और पूरे ब्रश की हेल्प से पूरे नेक पर, ईयर पर और फेस पर अच्छे से अप्लाई कर दिया है। और इसके बाद अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लो आप। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैंने हमेशा अपने मेकअप क्लासेस में आप लोगों को ये समझाया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई किया है जस्ट फॉर द हाईलाइटिंग। और हाईलाइटिंग जब भी हम कंसीलर से करते हैं तो अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जॉ लाइन के ऊपर, फॉरहेड पर, चिन पर। अब यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है फॉर एवर 52 का पिंक शेड है ये। और पूरे अंडर आई एरिया पर और पूरे फेस पे हल्का हल्का सा पाउडर अप्लाई करूँगी, जिससे कि जितने भी मेरा फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है, कंसीलर जो अप्लाई किया है, वो लॉक हो जाए। नाउ अब स्टार्ट करूँगी आई मेकअप। आई मेकअप को स्टार्ट करने के लिए सेम कंसीलर स्विस ब्यूटी का लगा लूँगी सारी आईज़ पर, उसको ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी, कॉम्पैक्ट पाउडर से हल्का सा टैप टैप कर लूँगी, जिससे कि हमारा जो आई मेकअप से लाइट शेड से, जो कि हल्का ऑरेंजेस है। और जो मैंने यूज़ की है आई शेडो पैलेट वो है फॉर एवर 52 की। उसके बाद मैंने इस तरीके से एक ब्रश की हेल्प से, आप देख सकते हो आई मेकअप को जितना आप ध्यान से देखेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है हल्का सा पिंकिश कलर, जो कि एक न्यूड शेड है, उसको मैं अप्लाई करूँगी। जब भी आप डार्क कलर अप्लाई कर रहे हैं आई मेकअप पर, तो बड़े धीरे धीरे और आराम आराम से उसको बिल्डअप करें कलर को, एकदम से जल्दी जल्दी कलर बहुत ज़्यादा लेने का कोशिश ना करें, क्योंकि जितना हम आई मेकअप में टाइम लगाएंगे उतना अच्छी ब्लेंडिंग होगी, उतना अच्छा आई मेकअप दिखेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फॉरएवर की ब्रोज जेल लिया है, उसको एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मुझे, आप सबको पता है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर रह चुके हैं पहले के और आप ट्यूटोरियल्स देखते रहे हैं, और अगर आप नहीं है मेरे सब्सक्राइबर और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो गाइस आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पार्लर से रिलेटेड चीज़ें देखनी हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। सो यस, और एक चीज़ बहुत अच्छी आप लोगों को बता रही हूँ, मैं अपने जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब की फैमिली है, उन सब के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। मैं 30 डेज़ की बिगनर ब्यूटी पार्लर क्लास की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, बहुत जल्द प्रिपरेशन चालू है, वीडियोज़ हमने शूट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो गाइस स्टे ट्यून। यहाँ पर मैंने मस्कारा अप्लाई कर दिया। और अगर आप बिगिनर हैं और आपको आई लाइनर लगाने में प्रॉब्लम आती है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप काजल ले सकते हैं कोई भी। यहाँ पर मैंने शुगर का ये जेल लाइनर है, इसको मैंने हल्का सा ऐसी रफली लगा लूँगी। उसके बाद एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी ऊपर से। तो जितने भी जो बिगिनर्स होते हैं ना, ये रफली भी करोगे ना तो भी बहुत अच्छा लुक आता है। और ये मैंने अप्लाई कर दिया है ब्लशर, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेस लग रहा है, कितना अच्छा आई मेकअप लग रहा है गाइस। एंड नाउ बारी है अब हाइलाइटर की, हाइलाइटर अप्लाई कर देंगे। लिपस्टिक हमने यहाँ पे पिंकिश लिपस्टिक अप्लाई करी है, ये है मार्स की लिपस्टिक, आप चाहें तो कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हैं अपने पसंद का। एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइस, एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये लुक। और ये जो हमारा हेयर स्टाइल से पहले का लुक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर हेयर स्टाइल के बाद, ज्वेलरी और सब हेयर स्टाइल के कंप्लीशन के बाद, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा आप लोगों के सामने है। अनकट वीडियो है, बहुत ज़्यादा मैंने एडिटिंग नहीं करी है, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आपको सब चीज़ें अच्छे से आना चाहिए। और अगर आप लोगों को पार्लर का कोर्स सीखना है मेरे से, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।